अगर आपके मसूड़ों में सूजन आ गई है, रेडनेस आ गया है, या आपके मसूड़ों में दर्द हो रहा है और जब भी आप ब्रश करते हैं आपके मसूड़ों से खून आने लगता है, देखने में ऐसा लगता है कि आपके जो मसूड़े हैं वो नीचे की तरफ खिसक गए हैं और आपके दांतों की जो जड़ है वो दिखने लग गई है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो भी टूथ है उसके अराउंड जो भी बोन प्रेजेंट है वो कम हो गया है, उसका रिजॉर्प्शन हो गया है जिसकी वजह से आपका जो टूथ है वो हिलने लगा है, तो आपको एक सीवियर गम डिजीज है जिसे हम बोलते हैं पेरोडोन्टाइटिस। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंद्र डेंटल ट्रैवलर ब्लॉग। पेरोडोन्टाइटिस एक सीवियर गम डिजीज होता है जो कि आपके टूथ को, सपोर्टिंग बोन को जो आपके टूथ के अराउंड प्रेजेंट होता है और सॉफ्ट टिश्यू को डैमेज करता है। अगर आपका ओरल हाइजीन माउथ का इतना अच्छा नहीं है, जो भी आप खाना खाते हैं आपके टूथ के अराउंड जो है वो डिपॉजिट हो जाता है और आप उसको क्लीन नहीं करवाते हैं अर्ली स्टेज में, तो यही जो आपका फूड है वो टार्टर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि पपड़ी जैसी आपके दांतों पे जम जाती है और वही जो है कारण होता है आपके गम डिजीज होने का। चलिए अब हम बात करते हैं क्या स्टेजेस होते हैं पेरोडोन्टाइटिस के। चार स्टेजेस होते हैं पेरोडोन्टाइटिस के। पहला स्टेज आता है जिंजिवाइटिस, जहां पे मसूड़ों में सूजन आ जाती है। दूसरा होता है अर्ली पेरोडोन्टल डिजीज। तीसरा होता है मॉडरेट पेरोडोन्टल डिजीज और लास्ट होता है एडवांस पेरोडोन्टल डिजीज। जिंजिवाइटिस में आपकी गम्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो भी आप खाना खाते हैं आपके टीथ के अराउंड जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप रेगुलर इंटरवल पे दो टाइम ब्रश नहीं करते हैं तो ये प्लाक का जो डेपोजिशन होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जिंजिवाइटिस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। जिंजिवाइटिस में आपके मसूड़ों में सूजन आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, इरिटेशन फील होता है, जब भी आप मसूड़ों को टच करते हैं हल्का हल्का आपको पेन स्टार्ट हो जाता है, आपके मुंह से बैड स्मेल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और जब भी आप ब्रश करते हैं आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है। पेरोडोन्टाइटिस के अर्ली स्टेज में जो मसूड़े होते हैं उसमें काफी ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है और वो आपके टीथ से अलग होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पॉकेट का फॉर्मेशन हो जाता है और वहां पे फूड लॉजमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है, खाना वहां पे फंसा रहता है। मॉडरेट स्टेज में क्या होता है, आपके मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़ों में बहुत ज्यादा पेन होता है और आपकी गम रिसेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जो सपोर्टिंग बोन है, जो बोन टूथ के अराउंड प्रेजेंट होता है, वो कमजोर हो जाता है, बोन लॉस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से आपका टूथ जो है हिलने लगता है। एडवांस स्टेज में क्या होता है, जब भी आप खाना खाते हैं तो आपके टीथ और मसूड़ में बहुत ज्यादा पेन होता है, आपके मुंह से बदबू आने लगती है, जब भी आप खाना खाते हैं तो बहुत खराब टेस्ट लगता है आपके खाने का। बोन, सॉफ्ट टिश्यू और गम्स जो कि आपके टीथ को सपोर्ट करते हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, क्या सिम्टम्स होते हैं पेरोडोन्टाइटिस के। जब भी आप ब्रश करते हैं आपके मसूड़ों से खून आने लगता है, मुंह से बदबू आने लगती है, आपके टीथ का पोजीशन चेंज हो जाता है क्योंकि आपके दांत जो है हिलने लगते हैं, गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, मसूड़े खिसक के नीचे आ जाते हैं जिसकी वजह से आपके जो जड़ हैं वो दिखने लगते हैं। आप देखेंगे आपके टूथ के अराउंड मोटी मोटी पपड़ियां जम जाती हैं जिसे हम बोलते हैं टार्टर या कैलकुलस। जब भी आप खाना खाते हैं तो बहुत दर्द करता है, जब भी आप खाना खाते हैं तो जो टेस्ट है खाने का वो बहुत अजीब सा लगता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या रीजन होता है, क्या कारण होता है जिसकी वजह से पेरोडोन्टाइटिस हो जाता है। जब भी आप खाना खाते हैं जो फूड पार्टिकल है आपके टीथ के अराउंड या दो दांतों के बीच में अक्सर फंस जाता है, धीरे धीरे वहां पर एक परत जमने लगती है जिसे हम बोलते हैं डेंटल प्लाक। फूड पार्टिकल जमने की वजह से वहां पर शुगर और स्टार्च अक्सर हमारे खाने में होता है और बैक्टीरिया जो है धीरे धीरे वहां पर एक्युमुलेट होने लगते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है और डेंटल प्लाक का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर अर्ली स्टेज में डेंटल प्लाक का हम लोग ने ट्रीटमेंट नहीं करवाया है, जैसे कि दो टाइम अपने प्रॉपर वे में ब्रश नहीं किया है, रेगुलर आपने इंटरवल पे डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांतों की सफाई नहीं करवाई है, तो यही प्लाक धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है टार्टर में, जिसे हम
बोलते हैं कैलकुलस। कैलकुलस के फॉर्मेशन के बाद जो हमारे मसूड़े होते हैं वो धीरे धीरे शिफ्ट करने लगते हैं नीचे की तरफ, जिसकी वजह से वहां पे पॉकेट का फॉर्मेशन हो जाता है। और पॉकेट के फॉर्मेशन होने पे क्या होता है, वहां पे जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं काफी हार्मफुल होते हैं, वो क्या करते हैं काम करना स्टार्ट करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मसूड़े जो है काफी ज्यादा ढीले हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाता है, आपके मसूड़ों में दर्द होने लगता है और आपके जो मसूड़े हैं वो नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं। और अगर आपने इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं करवाया है तो आप अपने दांतों से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि आपके दांत जो है हिलने लगते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी बदौलत पेरोडोन्टाइटिस जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है पेरोडोन्टाइटिस का। अगर पेशेंट को पेरोडोन्टाइटिस है, मतलब कि गम डिजीज है, और उसको टाइप 2 की डायबिटीज है, तो फिर प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ सकती है। हार्मोनल चेंजेस के कारण भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, ज्यादातर प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम देखा गया है। पेरोडोन्टाइटिस उन पेशेंट में भी सबसे ज्यादा देखा गया है, या अगर पेशेंट में है और उसको ड्राई माउथ की भी प्रॉब्लम साथ में है, जिसमें सलाइवा का प्रोडक्शन कम होता है, तो पेरोडोन्टाइटिस की दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। पुअर न्यूट्रिशन के कारण, मतलब कि विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से भी पेरोडोन्टाइटिस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर पेशेंट को HIV, एड्स, ल्यूकीमिया जैसी बीमारी है और उसको पेरोडोन्टाइटिस की दिक्कत भी है, तो पेरोडोन्टाइटिस की दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके इलाज की, ट्रीटमेंट पार्ट की। पेरोडोन्टाइटिस होता क्यों है? आपके माउथ में गंदा जमने की वजह से हो जाता है, टीथ के अराउंड जो पपड़ी जैसी जम जाती है ना, उसकी वजह से होता है। वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से आपके मसूड़े में सड़न पैदा होने लगती है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, डेंटिस्ट के पास जाइए और अपनी टीथ की क्लीनिंग करवा लीजिए। क्लीनिंग तो करवा ली, उसके बाद 2 टाइम ब्रश करना मत भूलिएगा। 3 मिनट सुबह कर लीजिए, 3 मिनट रात में कर लीजिए, बहुत है। टूथपेस्ट में फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बैक्टीरिया आपके टीथ के अराउंड जम जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, माउथ वॉश उसको क्लीन करता है। आपने ब्रश कर लिया, उसके बाद फ्लॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर आप पान मसाला गुटखा खैनी स्मोकिंग एल्कोहल ऐसा कुछ प्रोडक्ट खाते पीते हैं तो प्लीज बंद कर दीजिए, कुछ ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, ऐसे नुकसान होता है। क्लीनिंग करने के बाद आपके माउथ में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील होगा, आपको अच्छा अच्छा फील होगा, लेकिन आपके मसूड़े जो खिसक के नीचे आ गए हैं, गम रिसेशन की दिक्कत हो गई है, रूट एक्सपोज हो गए हैं, उससे आपको काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए गम ग्राफ्टिंग होती है, फ्लैप सर्जरी होती है। डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको खुद ही एडवाइस कर देगा कितना ज्यादा और कितना सीवियर केस के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे गम रिसेशन पर मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर एक आई बटन आ रहा है, क्लिक करके देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। डॉक्टर आपके टीथ की क्लीनिंग कर देता है, स्केलिंग या रूट प्लेनिंग कर देता है और उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन बताता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है क्या क्या काम करना है आपका। अगर आपने क्लीनिंग के बाद ये चीज फॉलो किया है तो डॉक्टर फॉलो अप के लिए आपको 3 से 6 महीने तक वॉच करता है। अगर पेरोडोन्टल पॉकेट इसमें हील हो जाता है, सही हो जाता है, तो कोई बात नहीं है। अगर हीलिंग नहीं होती है, पेरोडोन्टल पॉकेट अभी भी प्रेजेंट होता है, तो फिर डॉक्टर आपको जो है सर्जरी के लिए बोल देता है। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आ गया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा हो सके, कुछ पूछना है तो कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में। तब तक बाय बाय, जय हिंद।